पिलानी में नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई, वार्ड नंबर 27 धींदुआ रोड पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स को किया सीज। पालिका को अवैध कॉम्प्लेक्स की बार बार मिल रही थी शिकायत। पालिका की नोटिस देने के बाद भी नहीं रुका अवैध निर्माण। पालिका की बिना निर्माण स्वीकृति के हो रहा था निर्माण कार्य। पिलानी नगर पालिका ने कार्यवाही करते हुए कॉम्प्लेक्स की 8 दुकानों को सीज किया। सूरजगढ़ SDM दीपांशु चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई की गई। पालिका अधिशासी अधिकारी भरत हरितवाल द्वारा कॉम्प्लेक्स को सीज किया गया। नगर पालिका पिलानी के 3 दर्जन से अधिक पालिका कर्मचारी व मौका मजिस्ट्रेट सत्यनारायण सेन की मौजूदगी व पुलिस जाब्ते के साथ पालिका के भरत हरितवाल द्वारा अवैध कॉम्प्लेक्स को 90 दिनों के लिए सीज किया गया। अधिशासी अधिकारी ने बताया कॉम्प्लेक्स मालिक प्रताप सिंह हरचंद को 3 बार नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माण कार्य नहीं रुकवाया गया, जिस पर सूरजगढ़ SDM दीपांशु चौधरी ने अवैध कॉम्प्लेक्स सीज करने के आदेश दिए। सर, आप ये कॉम्प्लेक्स जो सीज कर रहे हो, क्या कारण है इसका? ये श्रीमान SDM साहब के आदेश के तहत मैं मौका मजिस्ट्रेट सत्यनारायण सेन बोल रहा हूँ। इनको पूर्व में पत्रावली चली हुई है EO साहब के यहाँ, और इनको सीज करने के लिए पूर्व में आदेश दिए जा चुके हैं और पार्टी को दोनों को पता है। इसके बावजूद इन्होंने निर्माण कार्य और सामान डालने का कार्य चालू रखा है, बाकी कार्य EO साहब का है। तहसील काम केवल कार्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था को रखने का है। धींदुआ बाईपास सर्किट अवैध निर्माण की हमें शिकायत, जिस बाबत संबंधित को नोटिस दिया गया, आवेदक सम्यक नोटिस दिया गया, प्रार्थी ने उसका जवाब प्रस्तुत किया जो कि विधिवत रूप से नहीं पाया गया, उसको अंतिम नोटिस दिया गया। उसके बाद 24 घंटे का नोटिस दिया गया कि अगर उसका कोई सामान हो तो वो अगर निकाल ले, और तत्पश्चात SDM साहब के निर्देशन के अंदर कार्रवाई आज सीज का अंजाम दिया।